हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज़ की अपकमिंग हिंदी मूवी के बारे में, जो कि हिंदी में तो आएंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में भी मार्वल स्टूडियोज़ की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सुपर हीरो मूवीज़ को। तो उस लिस्ट में पहली फिल्म है ब्लैक विडो। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक विडो मूवी बहुत जल्दी आने वाली है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये फिल्म 9 जुलाई 2021 को रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, 9 जुलाई 2021 को। इस लिस्ट में दूसरी जो मूवी है वो है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। ये फिल्म 3 सितंबर 2021 को आ रही है दोस्तों। इसका ट्रेलर भी आ चुका है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद इटर्नल्स भी का भी शायद टीजर आ चुका है दोस्तों, और नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये फिल्म 5 नवंबर को 2021 में रिलीज़ हो रही है। तो इस साल मार्वल स्टूडियोज़ की 3 फिल्में नहीं बल्कि 4 फिल्में आ रही हैं। स्पाइडर मैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हो रही है दोस्तों। जी हाँ, 17 दिसंबर 2021 को। उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये फिल्म नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में 25 मार्च को आ रही है दोस्तों। ये रिलीज डेट कंफर्म है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है। उसके बाद थोर लव एंड थंडर, इसका इंतज़ार तो वर्ल्ड के फैन कर रहे हैं। और ये फिल्म 6 मई 2021 को आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, 6 मई 2022 को। उसके साथ वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 8 जुलाई 2022 को आ रही है दोस्तों। ये भी कंफर्म रिलीज डेट है। उसके साथ अगली फिल्म आती है इसमें द मार्वल्स। जी हाँ, द मार्वल्स, ये सुपर हीरो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहता है, बट इसकी भी फिल्म आ रही है 11 नवंबर 2022 को। जी हाँ दोस्तों, और 2022 को आ रही है। इसके साथ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया, ये फिल्म 17 फरवरी 2023 को आ रही है दोस्तों। जी 2023 को। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, इसका तो इंतजार सभी को, क्योंकि इसमें थोर देखने को मिलने वाले हैं। और ये फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज़ होने वाली है जो दोस्तों। जी हाँ, 5 मई 2023 को मार्वल स्टूडियो की फिल्में। जी हाँ दोस्तों, सभी को पसंद है। और